हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको फूल गोभी की एक बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही नई रेसिपी देने जा रही हूँ। बहुत ही नए तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से आज हम तैयार करेंगे शाही गोभी की रेसिपी। ना तो बहुत ख़ास चीज़ें चाहिए होगी इसे बनाने के लिए और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी। बिल्कुल नया तरीका आज मैं आपको बताऊँगी। आप इस बिल्कुल नए शानदार सी रेसिपी को शादी पार्टियों में भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल मसाले लिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिन्हें मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसे भी मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्ची। सभी को मैंने रफली चॉप किया है क्योंकि आगे हमें इन्हें पीसना है। तो आप चाहें तो यहाँ पे हरी मिर्ची और लहसुन को बिना कट किए भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की फूलगोभी ले ली है जो हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे आप साफ़ अच्छी वाली फूलगोभी लें। हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी डंठल को कट करना है, फूलगोभी को नहीं। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से इसकी डंठल को हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कट कर लेना है और इसे कट करने के बाद अच्छे तरीके से धो लें। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में ले लिया है पानी, आप कोई पतीला भी ले सकते हैं। पानी में आने देंगे उबाल। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, अब हम फूल गोभी को डाल देंगे कढ़ाई में। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और फूल गोभी को पकने देंगे इसके गलने तक। लगभग 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से पक जाएगी। जब तक गोभी गल रही है तब तक इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो एक कढ़ाई को मैंने अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें एक छोटा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल के अच्छे से गर्म होते ही उसमें डाल देंगे 2 खड़ी हरी इलायची और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसके साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच खड़ा जीरा भी डाल देंगे। जीरे के भुनते ही इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने कट करके रखा है। हल्का सा चलाते हुए इसे सॉटे कर लेंगे लगभग 1 मिनट तक के लिए, ताकि प्याज हमारी जो है ट्रांसलूसेंट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं करना है, जलना नहीं चाहिए, तो हल्का सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए बस। प्याज हल्की सी नरम पड़ते ही उसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। साथ ही इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। एक मिनट तक मसाले को अच्छे से भूनने के बाद गैस को कर देंगे ऑफ। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसे ठंडा करके हम पीस लेंगे थोड़े से पानी के साथ। इतने देर में हमारी गोभी भी अच्छे से गल चुकी होगी, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो एक नाइफ इसके सेंटर में इंसर्ट करके चेक करेंगे। अगर ये इजली इसमें इंसर्ट हो जाती है, इट मीन्स ये अच्छे से गल चुकी है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये चली जा रही है गोभी के अंदर, इसका मतलब ये अच्छे से गल चुकी है। इसे निकाल लेंगे। अब मैंने फिर से एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें डाल दूंगी मैं 2 बड़े चम्मच तेल। तेल के अच्छे से गर्म होते ही उसमें डाल देंगे मसाला पीसा हुआ जो हमने टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन और प्याज से तैयार किया है। साथ ही इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड कर देंगे, तो मैंने उसी जार से इसमें ऐड कर दिया है पानी। मसाले को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मैंने यहाँ पे एक कश्मीरी रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1 छोटा चम्मच ही ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे नमक। अब हम सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, जिससे कि सभी मसालों का फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा, इससे मीठी नहीं होगी ग्रेवी। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर देंगे, जिससे कि फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो सभी चीज़ें इसे काफ़ी ज़्यादा शाही बनाती हैं। सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर लगभग 2 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे और आप देख सकते हैं जो मसाले हमने इसमें अभी ऐड किए थे वो भी अच्छे से पक गए हैं। काफ़ी बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से, काफ़ी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। इसे थोड़ा सा रिच बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें क्रीम। तो मैं यहाँ पे बाज़ार की क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच। आप चाहे तो घर की जो इकट्ठा की हुई मलाई होती है उसे ऐड कर लें। मलाई और क्रीम दोनों से ही एक जैसा फ्लेवर आता है, तो मेरे पास ये क्रीम थी इसलिए मैंने ऐड की है। आप इसे मलाई से ही बनाएं, कम खर्चे में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। सभी चीज़ें घर में आसानी से अवेलेबल होती है, उसी चीज़ों से आप इसे बनाएं।
क्रीम को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें गोभी डाल दूंगी और अच्छे से गोभी को सबसे पहले मसाले में कोट कर लूंगी। गोभी को मसाले में मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। अब मैं इसे ढककर पकाने वाली हूँ लगभग 5 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे पकाएंगे या मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो मसाले जल सकते हैं। ढककर पकाने से जितने मसाले हैं सभी का फ्लेवर गोभी में अच्छे से चला जाएगा। गोभी को मैंने बिना नमक के उबाला है, बट इस तरह से बहुत अच्छे से उसके अंदर नमक चला जाएगा। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही शाही गोभी बनकर हो चुकी है तैयार। सारे मसालों का फ्लेवर इसमें रच बस गया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी। चलिए इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो इसी तरह से आप सर्व करें। पहले गोभी को इस तरह से रखेंगे बाउल में और जितनी भी ग्रेवी है इसके ऊपर से पोर कर देंगे और ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्तियों से। वाह देखिए क्या बात है, बहुत ही लजीज, बहुत ही यम्मी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही शाही हमारी शाही गोभी बनकर हो चुकी है तैयार, जिसे खास मौकों पर शादी पार्टियों में आप सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी शाही होने के साथ साथ बहुत ही आसान है, बहुत ही किफ़ायती है, क्योंकि हमने इसे तैयार किया है घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ों से, सामग्री से। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये शानदार सी टेस्टी सी रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।